that is now facing another embarrassing situation as an image surfaced that showed union minister alongside Congress leaders on a hoarding. The mistake was rectified hours before Rahul Gandhi's address at the same venue after initially displaying an image of BJP MP instead of a Congress leader. So it's a faux pas that happened, an embarrassing situation for the Congress party as image of union minister was put up with Congress leader at an event that was to be addressed by Rahul Gandhi. While the mistake was corrected hours before Rahul's address at the venue, the Congress landing itself in an embarrassing situation. All right, let's go across to Satya Vijay, who's joining us live from Bhopal. Satya Vijay, tell us about this whole controversy. When did this happen? And how did the Congress even manage to put hoarding of a union minister along with a Congress leader? देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो मध्य प्रदेश के सिवनी मंडला वहां की हैं और चूंकि आज राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कहे जाते हैं, लीडर माने जाते हैं, उनकी दो सभाएं हैं सिवनी में और मंडला में और वहां चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, लेकिन कांग्रेस कितनी अपनी पार्टी अपने 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 इन चीजों के लिए गंभीर है इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के होर्डिंग में जो मुख्य मंच है उस होर्डिंग में जिसमें राहुल गांधी हैं, जीतू पटवारी है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता है, उसमें बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा दिया जाता है और जब वहां पर मीडिया कर्मी उस वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जाता है और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को छुपाने की कोशिश की जाती है और बाद में उस गलती को सुधारने के लिए पहले तो वहां पर कांग्रेस के दूसरे नेता रजनीश जो है उनका फोटो लगाया जाता है, लेकिन देर रात तक बवाल होता है, विवाद होता है, उसके बाद इस होर्डिंग को हटा लिया गया। लेकिन कांग्रेस यहाँ एक तरफ बात करती है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, कांग्रेस सच्चाई की लड़ती, ये बातें करती है और तमाम गंभीरता वाली बातें कांग्रेस करती है, लेकिन वो कितनी गंभीर है कि उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दो सभाएं करने वाले हैं, जिस जगह सभा होनी है वहां जो मुख्य होर्डिंग है उसमें कांग्रेस नेता की जगह बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते उनका होर्डिंग लगा दिया था, इससे कांग्रेस की गंभीरता या चुनाव को लेकर वो कितने सीरियस हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि अब इस होर्डिंग को बदल दिया गया है लेकिन इसको लेकर भाजपा काफी व्यंग्यात्मक चुटकी ले रही है और वो कह रही है कि कांग्रेस का ये हस्त्र है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका प्रत्याशी कौन है और बीजेपी का प्रत्याशी कौन है। Right, Satya Vijay, thank you for the moment. So, Congress landing itself in yet another embarrassing situation. For now, shifting focus to the story that we are tracking from the state of